प्यारम ऑफिस, खतराजपुर रेलवे स्टेशन, संबलपुर रेलवे स्टेशन जिसे कहा जाता है, पश्चिम उड़ीसा का उड़ीसा में सबसे अच्छा स्टेशन माना जाता है। आइए मिलेंगे आज यहाँ पर BMS वाले हैं जो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ईस्ट कोस्ट रेलवे मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ईस्ट कोस्ट रेलवे मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय रेलवे मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, भारत माता की जय। आइए मिलेंगे। हाँ सर, आपका नाम बताएंगे? रंजन कुमार दास जी सर। आप, हाँ सर, आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? मैं जनरल सेक्रेटरी स्कोर्ट कर ले मजदूर जी सर, भुवनेश्वर से आया हूँ जी सर। आज संबलपुर गश्त था, इसमें हम लोग बलांगीर गए थे, वहाँ स्वच्छ भारत किए और हमारा भारतीय रेलवे मजदूर संघ डिसाइड किया है कि जो आज रेलवे में प्राइवेट सेशन हो रहा है उसी के बारे में हम लोग जागरूक लाने के लिए सारे एम्प्लॉय से संपर्क कर रहे हैं और जो लोकल मुद्दे हैं उसको भी रेज कर रहे हैं। तो साहब कई प्रकार के मुद्दे हैं, एक दो मुद्दे के थोड़ा गिनती कराएंगे बताएंगे। एक तो आउटसोर्सिंग हो गया, दूसरा संबलपुर में पता लगा कि जनसंपर्क में कि यहाँ जो अब बाकी डिवीज़न में हमारा टाइप हुआ है मेडिकल में प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, मगर ये अपना संबलपुर में ये नहीं हुआ है, ये बड़ी दुख की बात है। ये हम लोग DR के पास दावी पत्र देंगे। आपका मुख्य डिमांड है संबलपुर में तो लोकल हॉस्पिटल का टाइप होना चाहिए, टाइप होना चाहिए, क्योंकि हर कोई भुवनेश्वर जा नहीं सकता, जा नहीं सकता। और सर, तो अपना जो प्राइवेट ठेकेदार आते हैं बाहर के कुछ लोग, जैसे सुनने में आ रहा है सर कि बाहर से अपना ठेकेदार लाते हैं, लोकल आदमी को यहाँ पर नहीं रखते हैं, इसके बारे में जो भी कुछ काम जो हो रहा है आउटसोर्सिंग में उसमें प्राइवेट आदमी को काम मिलना चाहिए, चाहे ठेकेदार हो चाहे यहाँ के लोकल जो श्रमिक है, तो वो बेचारा कहाँ बाहर जाएंगे, माइग्रेशन क्यों होंगे, जब घर के पास काम हो मिलना चाहिए उनको, रोटी मिलेगा तो यहाँ रहेंगे, घर के पास काम करेंगे, और ठेकेदार को भी उसे मिलना चाहिए जो लोकल आदमी है, ये साइड देना चाहिए। थैंक यू सर। अभी हमने सुना इनकी बातें, ये कहते हैं कि जो भी रेलवे है, रेलवे हॉस्पिटल, आजकल बीमार कोरोना कई प्रकार की बीमारी निकले, कोई भी छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है यदि डायरेक्ट होने से रेफर कर दिया जाता है तो रास्ते में पेशेंट का क्या हाल होगा वो आपको ही मालूम होता है, हम लोगों को मालूम होता है। ये चाहते हैं कि इनका यूनियन चाहता है कि यहाँ लोकल हॉस्पिटल के साथ ये टाई अप हो तो हम लोग तुरंत पेशेंट को लेके लोकल हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में भी जा सकेंगे। आइए एक भाई साहब से। हाँ सर, आप बताएँ सर, आपका पूरा नाम? मैं सीताकांत महापात्र, ईस्ट कोस्टल मजदूर यूनियन भुवनेश्वर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हाँ सर, आज हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब का ग्रस्त था संबलपुर का, हम लोग का जनसंपर्क था आज। इस जनसंपर्क में हम लोग एम्प्लॉज से मुलाकात किए और एम्प्लॉज से ग्रीवेंस सब लिए हैं, उसमें मुख्यतः मुद्दा जो था उसमें आप जो जैसे बताया कि रेलवे हॉस्पिटल टाइप करना है, आपकी आपका विशाखापट्टनम और खुर्दा डिवीज़न में बहुत सारे हॉस्पिटल टाइप हुआ है, जो एम्प्लॉज लोग उसका सुविधा ले रहे हैं जबकि संबलपुर उससे वंचित है। संबलपुर का कोई भी पेशेंट का कुछ प्रॉब्लम होने से उसको भुवनेश्वर या विशाखापट्टनम जाना पड़ेगा, भुवनेश्वर यहाँ से 7 घंटा अगर गाड़ी मिले तो, ना मिले तो कितना घंटा होगा, और वो जो पेशेंट का हालत क्या होगा आपको पता होगा। और यहाँ जो लोकल मुद्दा है उसमें हम लोग का एम्प्लॉज लोग का बहुत सारी बिल पेंडिंग पड़ा है, उसको नहीं ध्यान दे रहे हैं। हम लोग DRM से भी अपील किए थे और हमारा जो DPO साहब है उनको भी अपील किए थे कि DPO सेक्शन में ज़्यादातर जो आदमी है उन लोग पारदर्शी हो और काम ठीक से करें। एम्प्लॉय लोग का पेमेंट भी पेंडिंग बहुत सारी पड़ा है, एरियर नहीं मिल पा रहा है, लोग का बहुत सारी कंप्लेंट हमारे पास आ रहा है। दूसरा बात है जो प्राइवेटाइजेशन काम हुआ है उसमें लोकल लोग को कुछ काम नहीं मिल रहा है, उन लोग जो ठेकेदार है वो अपना मर्जी से किसी को भी लगे काम दे रहा है, लोकल लोग का भी काम नहीं मिल रहा है। उसमें क्या होता है कि जो सुपरवाइजिंग लेवल का है उन लोग परेशान होना पड़ रहा है, रेल उसमें अल्टीमेटली नुकसान होता है, रेल को प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए थैंक यू सर, आपको ही बोलिए। हाँ सर, आपका नाम बताएंगे? नमस्कार, मैं संतोष कुमार पाणिग्राही, डिविजनल सेक्रेटरी ईस्ट कोस्टल मजदूर यूनियन संबलपुर डिवीजन। हाँ सर, आज हमारे ईस्ट कोस्टल मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी रंजन भाई ने संबलपुर स्टेशन का आज दौरा किया। दौरे में पार्सल कुलियों ने अपनी समस्या बताई, उसमें मुख्य समस्याएं थी उन्हें हर 4 साल में उनको यूनिफार्म मिलना है, लेकिन विगत 5 वर्षों से उन्हें यूनिफार्म नहीं मिला। और पार्सल में कार्य करने वाले जो हमारे कर्मचारी हैं उनको 8 घंटे का रोस्टर है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा 12 घंटे का ड्यूटी दिया जा रहा है और उसमें ओवर टाइम भी नहीं दिया जा रहा है। और एक मुख्य मुद्दा है,
कि अभी संबलपुर डिवीज़न में जो हमारे गार्ड भाई लोग हैं जो ट्रेन में गार्ड का काम करते हैं, पहले उनको लाइन बॉक्स दिया जाता था जो कि रेलवे के द्वारा आउटसोर्सिंग करके उसको धोने चढ़ाने का काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाता था। तो अभी रेलवे बोर्ड का एक तो सर्कुलर आया है, उसके तहत में हमारे ईस्ट कोस्ट रेलवे में संबलपुर डिवीज़न जिसमें डीआरएम साहब और अन्य अधिकारी ने अभी जिसने एक निर्णय लिया है जिसके जो कि गार्ड लोग के विरुद्ध, इसमें गार्ड लोग को अपना सामान खुद ट्रॉली बैग जो कि रेलवे द्वारा 3,000 रुपये दिया जाएगा ट्रॉली के लिए, लेकिन मुख्य समस्या ये है कि ढोने का जो कार्य है, मतलब गार्ड वर्क्स को जो ढोने का काम है, अभी गार्ड अपने साथ में स्वयं लेके जाएंगे अपना गार्ड ब्रेक वैन में और उसे रेलवे के जगह में उसको रखा नहीं जाएगा, फिर उसे घर लेके जाएंगे। तो उसमें मुख्य समस्या है कि वो जो गार्ड बॉक्स में डेटोनेटर रहता है, डेटोनेटर एक तो मतलब विस्फोटक ज्वलनशील पदार्थ है, तो उसके लिए अभी गार्ड काउंसिल ने विरोध किया है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हमारे यहाँ पर संबलपुर डिवीज़न में दो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन हैं, एक आपका श्रमिक यूनियन और एक श्रमिक कांग्रेस। ये दोनों ने डीआरएम साहब के साथ में जो मीटिंग हुआ उस मीटिंग में उन्होंने मतलब गार्ड के हितों को ध्यान में न रखते हुए, मतलब किसी से सलाह मशवरा न करते हुए उन्होंने उसमें साइन कर दिया। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो दोनों यूनियन, कम्युनिस्ट यूनियन और कांग्रेस यूनियन जो संबलपुर में हैं, वो प्रशासन के साथ में मिलकर हस्ताक्षर कर लेते हैं जो कर्मचारी के विरुद्ध है, और बाहर में आके कर्मचारियों को बोलते हैं कि हम उनका विरोध करते हैं। तो वही है उनका मतलब दोमुखी चाल। वो भारतीय रेलवे मजदूर संघ के साथ इस कोशल मजदूर यूनियन इसके लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहा है और आगे भी उठाएगा, और आगे भी इसके लिए हम लोग विस्तृत आंदोलन करने की कार्यक्रम बनाए हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो मैसेज दिया हम इसको रेलवे बोर्ड प्रशासन में भी भेजेंगे, क्यों यहाँ जिस तरह संबलपुर में कर रहे हैं गार्ड का, जिस तरह आप कहते हैं ट्रॉली बैग, ये पॉसिबल नहीं होता है। कभी कोई गाड़ी कब आती है, रोज को 2 बजे आता है, 3 बजे आता है, कोई इनका टाइमिंग नहीं होता है, इसलिए उनको बड़ा परेशानी होती है। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।